नमस्कार, आज हम बात करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट में उपयोग होने वाले रीइंफोर्समेंट के बारे में। सभी निर्माण कार्य में रीइंफोर्समेंट के लिए मुख्यतः थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बांस का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर दर्शाई गई टेबल में विभिन्न साइज के स्टील रीइंफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मास प्रति मीटर एवं टॉलरेंस दिया गया है। इसका विवरण IS कोड 1786 के क्लॉज 6.2 में भी देखा जा सकता है। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बांस HST बांस से संबंधित IS कोड 1786 2008 के अनुरूप होनी चाहिए। TMT बांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल में सभी साइजों के TMT बांस के भौतिक गुणों का उल्लेख, जैसे कि इलोंगेशन, प्रूफ स्ट्रेस और TS अपॉन YS रेशियो दिया गया है। सेस्मिक जोन 3 या उसके ऊपर के जोन में ग्रेड FE415D या उससे ऊपर ग्रेड के TMT बांस का प्रयोग रीइंफोर्समेंट के लिए किया जाएगा। रीइंफोर्समेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टील को जमीन से कम 150 मिलीमीटर ऊपर इस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए, जिससे कि स्टील में डिस्टॉर्शन और करोजन को रोका जा सके। विभिन्न डायमीटर, आकार और लंबाई की बार्स को अलग अलग स्टोर किया जाना चाहिए, जिससे कि मानक लंबाई की बार से काटने पर न्यूनतम वेस्टेज हो। भंडारण, निर्माण और उपयोग के दौरान रीइंफोर्समेंट को नमी, बारिश और खारे वातावरण के संपर्क में आने से बचाने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। यह बचाव रीइंफोर्समेंट की सतह पर सीमेंट का घोल डालकर या किसी अन्य उपयुक्त तरीकों, जैसे एंटी करोसिव कोटिंग इत्यादि का उपयोग करके किया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट की सामान्य आवश्यकताएं। रीइंफोर्समेंट स्टील साफ होना चाहिए और धूल, जंग, परतदार सतह, तेल इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा यह कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड को नष्ट या कम कर सकता है। जंग को हटाने के लिए किसी भी तेलीय पदार्थ का उपयोग किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए। तनाव में एंकरिंग बार। ऐसे एक्सटर्नल जॉइंट्स जहां बीम कॉलम में टर्मिनेट हो रहा हो, वहां बीम के लॉन्जिट्यूडनल बार्स को कॉलम के फेस से LD लंबाई तक बढ़ाकर कॉलम में एंकर करना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। बार्स में डेवलपमेंट लेंथ IS कोड 456 के क्लॉज 26.2.1 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। कंप्रेशन में एंकरिंग बार। कंप्रेशन में बांस की एंकरेज लंबाई कंप्रेशन में बांस की डेवलपमेंट लंबाई के बराबर होगी, जैसा कि IS 456 में स्पष्ट किया गया है। हुक बैंड के आगे की प्रोजेक्टेड लेंथ और बैंड की बांस की स्ट्रेट लेंथ यदि कंप्रेशन में किसी बार के लिए दी गई हो, तो उसे डेवलपमेंट लेंथ के लिए माना जाएगा। कर्टेलमेंट ऑफ बांस इन कॉलम। कॉलम में बांस को कर्टेल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बांस को नो स्प्लाइस जोन में पर्याप्त डेवलपमेंट लेंथ तक बढ़ाने के बाद ही कर्टेल किया जाए। बाइंडर्स, स्टीयरअप्स और लिंक्स। बाइंडर्स, स्टीयरअप्स, लिंक्स आदि के मामले में अंत में कर्व के बाद का सीधा भाग बार के डायमीटर का 8 गुना अथवा 75 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट को जोड़ना और बांधना। रीइंफोर्समेंट बार्स को सही आकार में मोड़ा जाएगा, जैसे कि विस्तृत ड्राइंग में दिखाया गया है या प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया हो। यथासंभव पूरी लंबाई की बार्स का उपयोग किया जाना चाहिए और जरूरत के हिसाब से बार को काटा और सीधा किया जाना चाहिए। IS कोड 2502 के अनुसार रीइंफोर्समेंट बार्स को 3 तरह से बांधा जा सकता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। फिगर ए में दिखाए गए तरीके को प्राथमिकता देनी चाहिए, हालांकि ज्यादातर फिगर बी में दिखाए गए तरीके से बांधा जाता है। एक दूसरे को क्रॉस करने वाली बांस को हर इंटरसेक्शन पर 0.9 से 1.6 मिलीमीटर मोटाई वाली एनील्ड वायर के 2 स्ट्रैंड की मदद से एंट कर एक साथ बांधा जाएगा, ताकि स्टील के ढांचे को कठोर बनाया जा सके, जिससे कंक्रीट डालने के दौरान रीइंफोर्समेंट अपनी पोजिशन से ना हटे। ओवरलैपिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बांस। जहां आवश्यक हो, बांस की ओवरलैपिंग प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार की जाएगी। बांस की ओवरलैपिंग कॉलम की क्लियर हाइट के सेंट्रल हाफ भाग में दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में एक सेक्शन पर 50% से अधिक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल की बांस की ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी। ओवरलैपिंग को स्टैगर्ड करने हेतु स्प्लाइसेस के सेंटर टू सेंटर की दूरी डेवलपमेंट लेंथ के 1.3 गुना से कम नहीं होनी चाहिए।
ए ओवरलैपिंग वाली बार्स को 0.9 मिलीमीटर से 1.6 मिलीमीटर डायमीटर तक के एनील्ड स्टील के दो तारों से कसकर इस तरह बांधना चाहिए कि दो बांधों का अंतराल बार्स के व्यास के दुगने से अधिक ना हो। बीम की लैप और स्प्लाइस डिटेल्स, बीम की टिपिकल रीइंफोर्समेंट डिटेल्स और स्लैब की टिपिकल रीइंफोर्समेंट डिटेल्स स्क्रीन पर दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए कोड IS 13920 का अवलोकन करें। वेल्डिंग ऑफ बार्स, यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अप्रूव किया जाता है तो क्रॉस करने वाली बार्स को स्टील वायर से बांधने के स्थान पर टैंक वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। वेल्डिंग के लिए स्थान और वेल्डिंग के प्रकार को प्रभारी अभियंता द्वारा अप्रूव किया जाएगा। वेल्डिंग कोड IS 2751 और 9417 के अनुसार होगी। कॉन्क्रीट कवर ब्लॉक, बीम और स्लैब कंस्ट्रक्शन के मामले में एक सीमेंट और दो मोटे रेत के अनुपात में बनाए गए 4x4 सेंटीमीटर सेक्शन के प्रीकास्ट कवर ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी मोटाई स्पेसिफाइड कवर के बराबर होनी चाहिए। कवर ब्लॉक्स को रीइंफोर्समेंट बार और शटरिंग के बीच इस तरह रखा जाएगा जिससे कि रीइंफोर्समेंट के ऊपर कंक्रीट के अपेक्षित कवर को सुनिश्चित किया जा सके। कॉलम और दीवारों में वर्टिकल बार्स के कवर ब्लॉक को स्थिर और अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए रिंग के आकार के कवर ब्लॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। चौकोर कवर ब्लॉक कंक्रीट डालते समय अपनी जगह से हट सकते हैं। कैंटिलीवर और डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम्स एवं स्लैब के मामले में हॉरिजॉन्टल बार के बीच वर्टिकल दूरी बनाए रखने के लिए तथा रीइंफोर्समेंट को सैगिंग से बचाने के लिए स्टील के चेयर, स्पेसर या सपोर्ट बार्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनको 1 मीटर या उससे कम दूरी पर लगाया जाता है। आरसीसी स्ट्रक्चर जैसे कि आर्च डोम, शेल, स्टोरेज टैंक आदि में कवर ब्लॉक और स्पेसर का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। रीइंफोर्समेंट को रखने के लिए टॉलरेंस, जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है तब तक रीइंफोर्समेंट को स्क्रीन पर दिखाए गए टॉलरेंस के तहत प्लेस किया जाएगा। यदि किसी मेंबर की इफेक्टिव डेप्थ 200 मिलीमीटर या उससे कम हो तो रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग टॉलरेंस प्लस माइनस 10 मिलीमीटर होगी, और यदि 200 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो टॉलरेंस प्लस माइनस 15 मिलीमीटर होगी। कवर ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नॉमिनल कवर स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल्स के अनुसार दिया जाएगा। मेजरमेंट, विभिन्न डायमीटर के अधिकृत स्पेसर बार, लैप और रीइंफोर्समेंट की लंबाई को निकटतम 1 सेंटीमीटर तक मापा जाएगा और उसके वजन को मानक यूनिट वेट के आधार पर निकाला जाएगा। यह माप ड्राइंग में उल्लेखित माप से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि बार्स की वास्तविक यूनिट वेट उनके स्टैंडर्ड यूनिट वेट से कम है लेकिन वेरिएशन सीमा में है तो ऐसे मामलों में रीइंफोर्समेंट के भार की गणना वास्तविक यूनिट वेट के आधार पर की जाएगी। वेस्टेज और अनधिकृत ओवरलैप्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। बाइंडिंग के लिए आवश्यक एनील्ड स्टील वायर या उसके स्थान पर की गई टैंक वेल्डिंग को मापा नहीं जाएगा, जिसकी लागत रीइंफोर्समेंट की दर में शामिल है। अधिकृत चेयर सेपरेटर्स आदि लगाए जाएंगे और उनको अलग से मापा जाएगा। दर में सामान जैसे रीइंफोर्समेंट, बाइंडिंग वायर, टैंक वेल्डिंग की सामग्री एवं रीइंफोर्समेंट बिछाने के क्रम में लगे सभी ऑपरेशंस जैसे कि बांस की सफाई, कटाई, सीधा करना, हुक और बैंड बनाना, बांधना, पोजीशन में प्लेस करना, आवश्यकता या निर्देशानुसार क्रॉसिंग बांस को वायर से बांधना या इसके बदले टैंक वेल्डिंग की लेबर की कॉस्ट शामिल है। रीइंफोर्समेंट कपलर्स, मटेरियल्स के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स, IS कोड के अनुरूप परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रीइंफोर्समेंट कपलर्स में पर्याप्त ताकत, लंबाई और इंटरनल थ्रेड्स होनी चाहिए। कपलर्स की स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए तथा ये खुदरेपन, दरार और अन्य निर्माण संबंधित दोषों से मुक्त होने चाहिए। कपलर्स में थ्रेड स्पष्ट रूप से बने होने चाहिए और ये इम्परफेक्शन से मुक्त होने चाहिए। आंतरिक डायमीटर के आधार पर रीइंफोर्समेंट कपलर्स का नॉमिनल साइज IS कोड 1786 के तहत आने वाली बार्स के साइज के अनुरूप होगा। प्रत्येक कपलर उन पर अंकित मार्क्स या ब्रांड्स द्वारा पहचान में आनी चाहिए, जो कि निर्माता के नाम या उनके ब्रांड का नाम, क्लास, नॉमिनल साइज, BIS मानक चिन्ह और रीइंफोर्समेंट के ग्रेड जिसके लिए उपयोग किया जाना है आदि के संकेत देते हो। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, सभी रीइंफोर्समेंट कपलर्स कोड IS 16172-2014 के क्लॉज 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5.1 के अनुसार परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी।
रीइंफोर्समेंट बार्स और कपलर्स पर किए जाने वाली विभिन्न आवश्यक परीक्षण एवं अधिक जानकारी हेतु CPWD स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 का अवलोकन करें। धन्यवाद।